प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है कक्षा पाँचवीं के छात्रों का विषय पर्यावरण अध्ययन का। यहां पर पर्यावरण अध्ययन विषय का खंड बा का प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और जो छात्र चाहता है कि उसके पूरे में से पूरे अंक आएँ, यानी कि 40 में से 40 अंक पूरे आपको मिले, एक भी अंक ना कटे, वो इस वीडियो को जरूर देखें पूरा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर एक एक से प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको 40 में से 40 अंक मिलेंगे यदि आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल करना है, जो कि आपको स्कूल से मिला होगा, यहाँ पर शब्दों में और यहाँ पर अंकों में। यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिखेंगे और यहाँ पर डाइस कोड आप डाल देंगे, अपने स्कूल का जो भी आपका डाइस कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप निर्देश अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ से हम वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करेंगे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर नीचे सारणी दी गई है, उसे आपको भरना है। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लिख देंगे, माता पिता कृषि कार्य करते हैं, शिक्षा का स्तर कम है, बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार आप ये सारणी भी आगे देख लेंगे जो कि आपको भरनी थी, तो यहाँ पर सभी भरी हुई है पूरी। यहाँ पर आप इसी प्रकार से अपनी वर्कशीट में से फिल कर लेंगे, पूरी भर लेंगे। परिवार से स्नेह, शिक्षा संबंधी आवश्यकता, दिव्यांग उपकरण, मित्रों के साथ व्यायाम एवं खेल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता है, शिक्षा सहज करने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाई महसूस होती करते हैं, दिव्यांग उपकरण कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने में सहायता करते हैं। तो आप इस प्रकार से ये पूरी जो यहाँ पर सारणी है वो अपनी वर्कशीट की सारणी में इसी प्रकार से भर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला बिंदु है जो दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयां समझ आई हैं बताइए। तो दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं कि यदि हम सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते जो एक अफसोस सा रहता है। सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियाँ व क्रियाकलाप करने में असुविधा होती है। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है जो उसका जो बिंदु है अगला, दिव्यांग की कठिनाइयां सुनकर आप उनकी परेशानियां दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने के लिए जो आप कर सकते हैं, तो निम्न कार्य जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, यानी कि उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। कई लोग हैं ना, मजाक उड़ा देते हैं, इस प्रकार से नहीं किया जाता। तो यहाँ पर सहानुभूति पूर्वक आपको व्यवहार उनसे करना है, तो वो आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, यथासंभव मदद करेंगे, सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपके हो जाते हैं। अगला पॉइंट है जो आपका, आप किसी बड़े की मदद से, शिक्षक या माता पिता की मदद से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे आंसर में देख लेते हैं, आत्मसम्मान जागृत करके। अगला है आपका, इसके बाद समाज में उनका महत्व समझाकर, अच्छी शिक्षा प्रदान करके और समान अवसर प्रदान करके। इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने मोहल्ले या कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय नौकरी के बारे में इकट्ठी जानकारी इकट्ठा कीजिए, फिर तालिका भरकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 10 लोगों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में क्या काम करते हैं, उनके व्यवसाय या नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ पर भरनी है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो आप यहाँ पे जैसे कोई आपके मोहल्ले या गांव में लोहार, दर्जी, कोटवार, बढ़ई, पेंटर, मिस्त्री, सुरक्षाकर्मी हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके व्यवसाय का विवरण। लोहे का सामान बनाना, दर्जी का है कपड़ा सिलना, कोटवार का मुनादी सूचना देना, बढ़ई का है यहाँ पर लकड़ी का सामान बनाना, पेंटर का रंगाई पुताई करना, मिस्त्री का मकान बनाना, सुरक्षाकर्मी का आपकी सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप इनको भर करके कुछ प्रश्नों के आंसर देंगे, जो कि हम प्रश्न आगे देख लेते हैं। और आगे कुछ और जो आपके मोहल्ले में हो सकते हैं, तो उन्हें भी आप लिखेंगे, डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक। तो इस प्रकार से मरीजों का इलाज करना डॉक्टर का व्यवसाय है, पुलिस का है सुरक्षा करना, पढ़ाना शिक्षक का काम है। तो आप यहाँ पे इसी प्रकार से सारणी भर देंगे पूरी।
अब हम इस सारणी के अनुसार कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कौन सा व्यवसाय या नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों? तो यहाँ पे दिया गया शिक्षक, क्योंकि शिक्षक देश के निर्माता होते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा से समाज में संस्कृति बनती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, पसंद किए व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए? हमें शिक्षक बनने के लिए हमें व्यवसाय कोर्स को करना पड़ेगा, जैसे DED या BED कोर्स करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है जो आपका इसी का क्वेश्चन है, सारणी के अनुसार आंसर देना है। इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषताएँ बताइए। तो इस प्रोजेक्ट से हम व्यवसाय या नौकरी प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो व्यवसाय की जानकारी मिलती है। तो यानी कि आपने जो सारणी यहाँ पे भरी है, इससे आप किस निष्कर्ष पर जाते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी मिली व्यवसाय के बारे में, तो आप उसे जान चुके हैं, तो वो आप उसमें आंसर में लिख देंगे। तो आपके सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए थे जो भी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।